कानपुर की जनता के लिए एक अच्छी खबर है, जो दक्षिणवासी हैं उनको अभी इलाज के लिए दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब कानपुर दक्षिण क्षेत्र में ही 100 बेड का सरकारी अस्पताल बनने जा रहा है, जिसकी नींव भी रख दी गई है। हमारे साथ यहाँ के विधायक महेश त्रिवेदी जी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि ये जो अस्पताल कब तक बनेगा और उसमें क्या लगा था। विधायक जी, 100 बेड का अस्पताल बनने जा रहा है, कितनी लागत से बनना और कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? ये लगभग जो है 60-65 करोड़ रुपए का है, करीब 65-64 करोड़ का। और गरीबी रेखा में जो जीने वाले लोग हैं और जो आकस्मिक जिनको इलाज की ज़रूरत है उनके लिए ये, और करीब 40-45-50 लाख लोगों की सुविधाओं का ये केंद्र बनेगा। अगल बगल से भी लोग जुड़ेंगे, अगल बगल के ज़िले से भी लोग जुड़ेंगे और निश्चित रूप से स्वास्थ्य को अच्छा करने का काम करेंगे। कब तक ये बनकर तैयार होगा? इसमें लगभग जो है 2 साल का ही है, दो साल के अंदर बनकर तैयार होने का। ये हमारे साथ विधायक महेश त्रिवेदी जी मौजूद थे, जो बता रहे थे कि 2 साल में ये अस्पताल 60 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। इसके अलावा जो अभी दक्षिणवासी जिनको इलाज के लिए दूर भटकना पड़ता था, अब उनको अपने ही क्षेत्र में अच्छा इलाज मिल सकेगा। मैं अखंड प्रताप सिंह, न्यूज 18 कानपुर।